महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है सांगली इस सीट पर बीजेपी ने दो बार के विधायक सुधीर गाडगिल को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने एक बार फिर पृथ्वीराज पाटिल पर भरोसा किया है कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय मैदान में कूदी जयश्री पाटिल ने यहां के चुनाव को बहुकोणीय बना दिया है क्या है सांगली का सियासी मिजाज आइए देखते हमारे संवाददाता धीरज कुमार की एक खास रिपोर्ट वारणा और कृष्णा नदी के संगम पर बसा है सांगली शहर कृष्णा नदी की काया तो दुर्बल है ही लेकिन वारणा नदी का मिलन उसे अलौकिक होने का दर्जा दिलाती है शहर में स्थित है सांगली विधानसभा की सीट जो पूर्व में कांग्रेस का गढ़ रही है कांग्रेस के इस अभेद किले को साल 2014 में बीजेपी के सुधीर गाडगिल ने ध्वस्त किया था सुधीर पीएनजी एनजी ज्वेलर्स के मालिक हैं और सियासत के सधे हुए खिलाड़ी भी जो लगातार दो बार के विधायक हैं और तीसरी बार चुनावी शंखनाद में कूदे हैं बीते पाँच साल के कार्यकाल में इन्होंने अपने विधानसभा में सांगली इस्लामपुर हाईवे साथ ही 109 साल पुराने इरविन ब्रिज के समानांतर ब्रिज का निर्माण हरिपुर में पुल विश्राम बाग और चिंतामणि नगर में ऐसे ही अनेकों विकास कार्य करवाए हैं इसके साथ ही ये अपने क्षेत्र में चार करोड़ की निधि ऐसी विकास कार्य कराने का दावा भी करते हैं सांगली जिले में एक बड़ा कोई उद्योग आए इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसके वजह से एंसिलरी और कुछ अपने तैयार होंगे और यहां के योगकों का हदखत को काम मिलेगा ऐसा ही है कि ये अभी तक छुटा जो काम है वो पूरा अगले पांच वर्ष में ही करना है कांग्रेस के कद्दावर प्रत्याशी पृथ्वीराज पाटिल 2019 में सांगली सीट से 7000 मतों के अंतर से हार का स्वाद चख चुके हैं जनता के जज्बातों को टटोलने में माहिर पृथ्वीराज क्षेत्र में सिर्फ पुल के निर्माण को विकास नहीं मानते कृष्णा नदी की सफाई शहरी लोगों को शुद्ध पेयजल और उत्तम सड़कें और साथ ही शहर में एयरपोर्ट का निर्माण जैसे मुद्दों के साथ सांगली की फिजा बदलने का दावा भी करते हैं जनता मेरे काम पे खुश है मेरे संपर्क पे खुश है और बगावत होते हुए भी मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि आम जनता मुझे ही सपोर्ट करेगी मुझे ही चुन के देगी वहीं कांग्रेस से बागी बनकर मैदान में ताल ठोकने उतरी जयश्री पाटिल अपने पति की सियासी जमीन पर सांगली की सियासत को आंच दे रही है जयश्री पाटिल लोकसभा सांसद विशाल पाटिल की भाभी और दिवंगत राज्य मंत्री प्रमुख कांग्रेस नेता मदन पाटिल की पत्नी है जयश्री महिलाओं के मुद्दे को लेकर के मैदान में है इस इलाके में बहुत सी समस्या है साफ सुथरा पीने का पानी और महिला महिलाओं के लिए घर बैठे काम चाहिए और इधर इंडस्ट्री इंडस्ट्री भी नहीं है तो एयरपोर्ट ड्राईप्रोट ड्राईपोर्ट इत ट्राइप, इधर चाहिए इसके वास्ते इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी और महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा मुझे काम करना है महाराष्ट्र की सियासत में सांगली पैटर्न की खूब चर्चा होती है जब लोकसभा चुनावों में अपनों ने ही अपनों का खेल बिगाड़ा था अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले तीसरी बार मैदान में, में नहीं उतरने की घोषणा करने वाले सुधीर दादा सांगली पैटर्न का शिकार बनते हैं या बाजी मार जाते हैं खतरा कांग्रेस के पृथ्वीराज पाटिल को भी कम नहीं है फैसला तेईस नवम्बर को होना है भाजपा प्रत्याशी के पास विकास का ब्लू है तो कांग्रेस प्रत्याशी भी बीते पांच सालों से जनता के नब्ज टटोलने में जुटे हैं अब देखना है यहाँ की जनता क्या फैसला लेती है कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार डीरी न्यूज सांगली